एक नई जर्नी को नई एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, जो कि काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही होगी शायद सब लोगों को बात, कहने का ये मीनिंग है बच्चों, क्योंकि जो पॉइंट मैं इस समय में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मान के चलिए कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल आता है और मेडिकल में हमेशा दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो इसकी कम से कम 90% जो है, हम लोग बोलते हैं 90% एक पॉसिबिलिटीज रहती है कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। तो आज हम लोग ओनली कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ जो व्यू है, जो पॉइंट जहां से न्यूमेरिकल्स बैकग्राउंड जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टॉपिक से ज्यादा आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेक्चर सारे के सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, घर में अच्छे से रिवीजन किया होगा, और आप लोग बच्चों नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो भाई? सब लोग बना रहे हैं क्या? ओके, तो ठीक है, आइए बच्चों, आज आपको बैकग्राउंड साउंड भी ज्यादा नहीं आएगा। ज्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या किसी को? नो सर। ओके ओके बेटा, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभार क्या हो जाता है, ये कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो बैकग्राउंड साउंड के लिए जो है वो चीजें काम रुकी नहीं जा सकती है, तो इसलिए वो होनी को कौन रोक सकता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट जानते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था W इज इक्वल टू, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था जेड इंटू आई इंटू टी, ऐसा बताया था, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था देखिए जरा ध्यान से, W इज इक्वल टू आपको बोला था बच्चों इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन फैक्टर इंटू एफ इंटू आई इंटू टी, यही बोला था। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, तीसरा W इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था बच्चों, सॉरी यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ था, एफ ऐसा लिखा, तीसरा आपको बताया था मोलर मास अपॉन एन इंटू फेराडेस इंटू आई इंटू टी, ऐसा बताया हुआ था। चौथा बच्चों मैंने क्या बताया था, चौथा मैंने बताया था एन इजिकल टू आपको बताया था वन अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी, ऐसा ही बताया था क्या, ऐसा ही बताया था क्या बच्चों? बताओ सभास, बोलो 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 बोलो, या आप इसको ऐसे I into T, N को ऐसे लिख सकते हो ना, Q upon F, ऐसे भी लिख सकते हो क्या? बोलो 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 बोलो, yes or no, Q upon NF नहीं आएगा, NF सॉरी, ऐसे ही आएगा ना, ऐसा बताया था ना, ऐसा बताया था या नहीं बताया था? Q क्या है बेटा? चार्ज है। Q क्या है बेटा? चार्ज है। और N और F, M, N भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ही तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F भी क्या है? चार्ज है। तो ये भी क्या है? चार्ज है या नहीं है? दोनों के दोनों चार्ज है नहीं है बच्चों? बताओ सब लोग, बोलो सबास। सर ये N लिखा है M लिखा है आपने? N यार, N लिखा हुआ है, नेशनल इज इक्वल टू इस साइड वाला, ये हाँ, ये N मोल वाला N है और ये N चार्ज वाला N है। N की जगह पे NF लिख लो क्या? N फैक्टर, बोलो ईशा, ईशा बेटा ऐसा लिख लो क्या? N की जगह पे NF लिख लो क्या? Yes, sir. है ना, ये वाला N चार्ज वाला है और ये वाला कौन सा N है बेटा? मोल वाला N है या नहीं है? है ना? Yes, sir. अब M की जगह N इज इक्वल टू मोल लिखते हैं, तो बच्चों आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ऐसा पढ़ा था क्या? हाँ या ना बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, शाबाश। और लोग कहाँ सो गए हैं यार बच्चों, ये दुनिया में अभी जो है ये दुनिया जाग रही है, आप क्यों सो गए बताओ? उठ जाओ, सवेरा हो गया है। देखो सर ये भी आपका मास है और सर ये भी आपका मास है या नहीं है? तो n इज इक्वल टू मास अपॉन मास लिखा था, हो सकता है क्या? हेलो, हाँ या ना बोलो, ऐसा हो सकता है ना? अरे हाँ या ना तो बोलो, सब लोग बोलो भाई, कहाँ गए? यस सर। कौन बोली भाई, कौन लड़की, क्या नाम है बच्चा आपका?
प्रियांशु, पहली बार आई है शायद आपकी आवाज आज। कल इतना तो यस सर दिया। हाँ ओके अच्छा सुनो, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। देखो मास अपॉन मास हो गया, तो एन इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एन को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मास, ऐसा नहीं बोल सकता हूं क्या? ऐसा भी तो बोल सकता हूँ मास अपॉन मास, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, मोल का मतलब अब मैं इसको नंबर ऑफ मास भी तो बोल सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों जरा इधर देखो, जरा इधर देखो, इधर देखो, इस वाले फॉर्मूले को इधर देखो। एन इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, क्यू अपॉन एम एफ, आपने क्या लिखा चार्ज, चार्ज अपॉन, ये वाला भी क्या लिखा आपने सर, चार्ज अपॉन चार्ज, आप बताओ भाई चार्ज अपॉन चार्ज। तो ये वाला एन का मतलब ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन एफ भी, ऐसा भी तो हो सकता है। बोलो क्या आप लोग इस बात से एग्री हो क्या? यस बोलिए बोलिए बोलिए, सर, शाबाश शाबाश बच्चों, बोलिए 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 बच्चों, सब लोग एनर्जी के साथ पढ़िए, बिल्कुल जोश में पढ़िए, बड़े इंटरेस्ट से पढ़िए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, प्यारे बच्चों मैं इतने सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं इतने सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाऊंगा। आप जानते हैं कि अगर सर एक एक करके सबका नाम लेना शुरू करें तो आप समझ सकते हैं कि टाइमिंग बहुत निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आता है वो आप डायरेक्टली बोलें कि सर इसे दोबारा समझाइएगा, सर मुझे समझ में नहीं आया, तो आप खुद से बोलिएगा, समझ रहे हैं? मैं एक एक करके आपको पूछने का, आप जानते हैं कि सर इतना टाइम तो होगा ही नहीं, इतने सारे लोग हैं, है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है समझदारी से काम करेंगे, कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आपको समझ में नहीं आया है आप जरूर पूछेंगे खुद से खुद, ठीक है ना? चलिए तो स्टूडेंट ये बात तक, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, नो बोलिए। सर, चलिए 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 गाइस, तो आप एक काम करिए, इसको अभी जो सारी चीजों को अभी अपनी कॉपी में लिखना है, अभी आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ रहे हैं ना? अभी आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सारी की सारी चीजों को कॉपी में लिखो अभी के अभी। स्क्रीनशॉट से नहीं चलेगा बेटा काम, अभी न्यूमेरिकल करना है आपको, कॉपी में लिखिए सब लोग। सर ये नंबर ऑफ चार्ज इक्वल्स क्यू बाय नंबर ऑफ मोल्स है ना? क्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन का, ये वाला एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या किसी पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज होगा, ये है ही। अब बोलो यस क्या नोट कर दिया क्या सबने? सर, ओके ओके, सब लोग करिए, सब लोग करिए, नोट करिए प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये जीवन बिना पढ़ाई के नहीं चलता है, संसार में जो है पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आदमी के लेवल को बढ़ाती है, जो नॉलेज को बढ़ाती है, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवीजन करिए, रिवीजन करने का बहुत ज्यादा समय है आपके पास। ठीक है ना? ओके तो बड़ों के आगे हो गया बेटा, डन बोलिए जिसने कर, सबने कर दिया। यस सर, यस सर, कोई और बचा तो नहीं है जो नोट कर रहा है अभी भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आज आप लोगों को, पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने एक पॉइंट लिखा था, वन फेराडेज, वन फेराडेज का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, वन फेराडेज का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कैरीड आउट,
है ना, बाई वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ चार्ज वन फैराडे का मतलब होता है एक मोल के द्वारा कितना चार्ज कैरीड आउट किया जाएगा, एक मोल के द्वारा कितना चार्ज कैरीड आउट किया जाएगा उसको बोला जाता है नंबर ऑफ, उसको बोला जाता है फैराडेस, ठीक है ना, उसको बोला जाता है फैराडे। मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज को कैरीड आउट करेंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज को कैरीड आउट करेंगे उसको बोला जाता है स्टूडेंट फैराडेस। तो सर वन फैराडे में कितने कितना चार्ज होता है, एक फैराडेज में होता है 96500 कूलाम के इक्विवेलेंट। तो आप ये कहेंगे बच्चों एक मोल जो इलेक्ट्रॉन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को कैरीड आउट करेंगे, एक मोल चार्ज वन फैराडेज, या मैं इसकी जगह पे बोलूंगा ये वैल्यू आपको याद रखनी है सारे के सारे बच्चों को, 96500 कूलाम के बराबर चार्ज को कैरीड आउट करेंगे। क्या मैंने आप लोगों से अपनी बात सही से बोल पाई है या नहीं, बोलो। क्या मैंने अपनी बात सबके सामने सही से बोली है या कोई ऐसा है जिसके सामने नहीं हो पा रहा है एडजस्ट? सबको क्लियर है ना? यस सर, यस सर। ओके ओके प्यारे बच्चों, अब देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना चार्ज कैरीड आउट किया जाएगा उसको बोला जाता है वन फैराडेज। वन फैराडेज का मतलब 96500 कूलाम के इक्विवेलेंट का जो चार्ज होगा सर, उसी को हम वन फैराडेज बोलेंगे। समझ में आई बात? अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अब सुनो, जब एक मोल वन फैराडे इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरीड आउट करेंगे तो दो मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को कैरीड आउट करेंगे सर, दो फैराडेज। दो मोल कितना कैरीड आउट करेंगे, दो फैराडेज चार्ज को कैरीड आउट करेंगे, ठीक है ना सर। चार मोल इलेक्ट्रॉन कितना कैरीड आउट करेंगे सर, फोर मोल इलेक्ट्रॉन जो है फोर फैराडे के इक्विवेलेंट चार्ज को कैरीड आउट करेंगे। क्लियर हुई बात? ओके अब सर अगर आपने कहा कि सर चार ग्राम इलेक्ट्रॉन, चार ग्राम, ठीक है ना, चार ग्राम सोडियम कितना फैराडे चार्ज को कैरीड आउट करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, बोलो भाई, क्या आप चार फैराडे बोलोगे क्या? नो सर। वेरी 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 गुड सर, ऐसा नहीं बोलेंगे हमें सर। जो पहले आपने मास दिया गया है चार ग्राम, इसको पहले मोल में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि रिलेशन किस किस का सेम है, फैराडेज और मोल का रिलेशन है, मास के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, पहले आप लोगों को मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, पहले आप लोगों को मास को जो है मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सोडियम, देखो बच्चों, मोलर मास ऑफ सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम का मोलर मास कितना होगा सर, 23.5 ग्राम, 23 ग्राम मान के चलो अप्रोक्सीमेट ये मास, ठीक है ना। तो पहले आप इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे W अपॉन M से, और तब उस मोल को सीधे फैराडे से मल्टीप्लाई करोगे। आया समझ में या नहीं आया? बोलो हाँ या ना, तो बोलो। yes, sir. अच्छा सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, आप सुनो सर, आपने कहा कि एक मोल इलेक्ट्रॉन को, एक मोल इलेक्ट्रॉन जो है वन फैराडे चार्ज को कैरीड आउट कर रहे हैं, दो मोल आपने क्या बोला था सर, दो मोल इलेक्ट्रॉन दो फैराडे को कर रहे हैं। अब देखो मैं आपसे कहता हूं बच्चों, सोडियम प्लस से सोडियम मेटल बनने में टोटल कितना चार्ज कैरीड आउट किया जाएगा, सोडियम प्लस आयन से सोडियम मेटल बनने में टोटल कितना चार्ज कैरीड आउट किया जाएगा, टोटल चार्ज कितना कैरीड आउट किया जाएगा बताइए, कितना चार्ज को ले जाएगा बेटा? सुनो 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 सर, जब हम सोडियम में
सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कितना इतना चार्ज कैरीड आउट करेगा। तो कहने का मतलब है कि सर वन मोल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको बोलते हैं कि सोडियम प्लस से सोडियम के बनने में एक मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, कान बिल्कुल खोल के सुनिए बच्चों, और नजर अपने बोर्ड पे लगाइए। बिल्कुल मैंने आपको बताया जो सोडियम पॉजिटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन को सोडियम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ रहा है। सबको समझ में आता है या नहीं आता है, बोलो। यस सर। यस सर। तो आप बोलेंगे ना कि सर सोडियम पॉजिटिव आयन को सोडियम में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 1 फैराडे चार्ज को कैरीड आउट करना पड़ेगा। अब बताओ भाई यहां तक क्या मैंने अपनी बात बोली क्या सही से? यस सर। भूमिका भूमिका कहाँ गई बेटा? भूमिका ऑनलाइन चला के चली गई क्या? माही पारीख सही बोला क्या मैंने? माही पारीख आवाज नहीं आ रही बेटा? माही पटेल? ये बच्चे ऑनलाइन भी हैं या चले गए भाई क्लास से? ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं या चले गए हैं? प्रथम शाह? प्रथम शाह मीट शाह? यस सर। कौन है मीट? यस सर। ओके, मतलब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन रख के गायब तो नहीं हो गए ना। प्राची? यस सर। ओके, प्राची है। रीना पटेल? यस सर। अच्छा, रीना भी बनी हुई है। तो कुछ बच्चे मतलब गायब हो गए हैं चला के। प्रियांशी? यस सर। ओके, ईशा? यस सर। ओके, धीय पटेल? यस सर। ओके, मतलब 2-3 गर्ल्स गायब होगी क्या? ओके चलिए कोई नहीं। तो बच्चों मैं आपको कह रहा था अगर ऐसा ऐसा होता है तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अब सुनो थोड़ा सा, सर सपोज अगर आप Mg पॉजिटिव आयन को Mg2 पॉजिटिव आयन को मैग्नीशियम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना चार्ज आपको कैरीड आउट करना पड़ेगा, बोलो? 2 फैराडेस। तो सर यहाँ पे क्योंकि आप 2 फैराडे 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है आपके पास। कितना मोल इलेक्ट्रॉन हो रहा है बोलेंगे? सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो इसको बोला जाता है 2 फैराडेस। समझ में आई बात क्या? तो इसको बच्चों बोला जाता है 2 फैराडेस के चार्ज को कैरीड आउट कर रहा है। बहुत 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 सिंपल सी बात बोली है मैंने। सर अगर आप एक काम करेंगे एल्यूमिनियम 3+ को सर आप एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना फेराडे यूज होगा बच्चों? 3 फैराडे चार्ज कैरीड आउट होगा। तो सर यहाँ पे 3 फैराडे चार्ज यूज होगा। चलिए चलिए, सो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो। अब आप लोग नोट मत करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट नहीं करना है। हो गया क्या? डन सर। ओके, सबका हो गया बच्चों? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो बड़े सरलता से बड़े आसानी से कह दिया है कि इतना मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि सर अगर मैं आपसे कहूंगा प्यारे बच्चों MnO4- को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज कैरीड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरीड आउट,
नंबर ऑफ चार्ज की जगह पे नंबर ऑफ कूलाम भी लिख सकता है। अब सपोज अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो कैसे क्या बोलेंगे? सर हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बिल्कुल सही बोला ये लड़का। सर यहाँ पे हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा पूरे रेडॉक्स रिएक्शन को। MnO4- को पहले हम लोग काई में कन्वर्ट करेंगे सर, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपको रिएक्टेंट वाला पोर्शन दिख रहा है और ये वाला प्रोडक्ट दिख रहा है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने एटम को बैलेंस करते हैं, मैग्नीज कितना है? यस यस, वेट बेटा स्टूडेंट, जस्ट वेट ओनली फॉर 2 मिनट। तो देखो Mn है, Mn इक्वल है, यहाँ पे सर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगा देने पड़ेंगे। जैसे ही मैंने इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गए। कितने हाइड्रोजन बढ़े? 8H पॉजिटिव आयन बढ़ गए हैं। तो 8 हाइड्रोजन बढ़े तो स्टूडेंट माइनस का 1 चार्ज है, प्लस का 8 चार्ज है, तो यहाँ प्लस का 7 चार्ज हुआ, नहीं हुआ रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड कितना चार्ज है बच्चों? प्लस का 2 चार्ज है। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूं कि दोनों साइड के चार्ज को इक्वल करूं? 5। सबको पता है ना, क्योंकि सर मेरे पास 7 पॉजिटिव चार्ज हैं, मेरे पास बच्चों 7 पॉजिटिव चार्ज हैं, मैं इसमें 5 नेगेटिव चार्ज डाल दूंगा तो 2 ही तो पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। आई रिपीट माई पॉइंट, मैंने आपको बताया कि मेरे पास 7 पॉजिटिव चार्ज हैं, 7 पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर मैं इस 7 पॉजिटिव चार्ज में 5 नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देता हूं, 5 नेगेटिव चार्ज में यहां से 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, तो अब इसके पास भी प्लस 2 चार्ज बचेंगे, यहां भी प्लस 2 चार्ज। तो सर दोनों जगह क्या हो रहा है? दोनों जगह चार्ज इक्वल हो रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। 5 मोल इलेक्ट्रॉन आपको स्टूडेंट यहां पे यूज करने पड़ रहे हैं। तो टोटल चार्ज जो कैरीड आउट होगा, जो टोटल चार्ज कैरीड आउट होगा वो 5 फैराडे के बराबर होगा, नहीं होगा? बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? बोलिए। वेरी वेरी गुड। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं आपको एक आध क्वेश्चन दो क्या सॉल्व करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए सीखते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज कैरीड आउट। आपसे ये कहता हूं आपको नंबर ऑफ चार्ज कैरीड आउट करना है, पहला यहां पे लिखता हूं, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, पहला हम लोगों ने लिखा कि Fe2O3 से आयरन 3 में कन्वर्ट करने के लिए कितना चार्ज कैरीड आउट होगा। देखिए करिए इसको सॉल्व, सब लोग इसको सॉल्व करो। थ्री फैराडे। ओके सब लोग करो, सब लोग करो। CrO3 से CR में कन्वर्ट करने के लिए कितना फेराडे यूज होगा ये भी निकालिए।
निकालिए सब लोग, जोर लगाइए सब लोग, जोर लगाइए, जोर लगाइए। कर तो पा रहे हैं ना आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तीसरा सर पहले में 6 फैराड आएगा, पहले में 3 फैराडे आएगा सर। अभी मैं लास्ट में करूंगा, मैं लास्ट में करूंगा, मैं लास्ट में करूंगा। मैसेज में अपने अपने आंसर लिख के दें सब लोग। मैसेज डिसेबल है क्या? यस सर डिसेबल है। यस सर डिसेबल है। ठीक है, आंसर निकालिए सब लोग, करिए सब लोग करिए। ये वाला जो क्वेश्चन है, जो तीसरा वाला है, ये जेईई मेंस में आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। करिए इसको सब लोग करिए। पहला वाला सबने कर दिया, फर्स्ट वाला? यस सर। यस सर। यस सर। मैं करूं? Fe2O3 से आयरन 3 पॉजिटिव आयन बनेगा। देखिए देखिए स्टूडेंट, सर यहाँ पे सबसे पहले आयरन को बैलेंस करिए, 2 आयरन हो गया, प्लस इधर ऑक्सीजन 3 है तो 3H2O कर दीजिएगा। सर जैसे इधर आपने प्रोडक्ट साइड 3H2O किया तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन 6H पॉजिटिव आ गया है। अरे ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, तुम लोगों का कैसे आया भाई? तो इधर भी प्लस 6 चार्ज है, इधर भी तो प्लस 6 चार्ज है, तो जीरो इलेक्ट्रॉन। यस सर जीरो इलेक्ट्रॉन। तो जीरो फैराडे। अरे फैराडे चार्ज तो तब कैरीड आउट होगा जब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे। चार्ज तो सर मैंने बैलेंस नहीं किया था 2Fe। गड़बड़ कर दी है भाई, गड़बड़ नहीं करना था। अब बताओ यही है ना, नो चार्ज कैरीड आउट। अरे यही है क्या आंसर? यस सर। यस सर यही तो कह रहा हूं। सुनो 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 बच्चों, सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन मैं करूं क्या? सबने कर दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 2? यस सर। यस सर। यस सर। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से कि सारे के सारे स्टूडेंट कर रहे होंगे, कोई ऐसा तो नहीं जो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है, ईमानदारी से काम कर रहे होंगे आप लोग। क्रोमियम तो देखो बच्चों, पहले क्रोमियम देखो एक ही बैलेंस है, करने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे 3H2O लगा दो, 3 ऑक्सीजन थे तो सर यहाँ पे 6H पॉजिटिव लगा दो। सर सर इधर का आपने 6 पॉजिटिव चार्ज रखा, इधर 0 पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 पॉजिटिव चार्ज में 6 नेगेटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो टोटल 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीड आउट होंगे नहीं होंगे? यस। अरे बोलो यार शाबाश। यस यस सर। तो 6 मोल तो ओवरऑल चार्ज कितना कैरीड आउट होगा बच्चा? 6 फैराडे के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? बिल्कुल सही है बच्चों, आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताइए, इसमें कितना आया? सर 6। सर 6 फैराडे। सर 6। अच्छा इसमें भी 6 फैराडे आया क्या?
ओके यस। अभी भी जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो ईमानदारी से बोलें कि सर नहीं हो पा रहा है, मैं बढ़िया से समझाऊंगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम दो है, दो से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, दो से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने ऑक्सीजन है, तीन है, तो तीन वाटर के मॉलिक्यूल लगा दो, है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? No. प्लस सिक्स एच प्लस यहां पे लगा दो सिक्स इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बेटा भूमिका आपको? समझ में आ रहा है भूमिका? कहां सो गई क्या? यस सर आ रहा है समझ। क्या वो लड़कियां आ गई क्या जो बाहर गई थी? माही पारीक आ गई या बाहर गई थी या नहीं आई अभी भी? यस सर माही पटेल था, मैं आ गई। आप माही पटेल हो क्या? आप क्या हो बेटा, पटेल हो या पारीक हो? पटेल। अच्छा आप कहाँ गई थी बेटा जब मैंने आपको पुकारा? सर आज यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, वाईफाई चल नहीं रहा है प्रॉपर। अच्छा अच्छा अब माही पारीक का, माही पारीक अभी भी है या माही पारीक अभी बाहर ही है? यस सर। माही आप कहाँ गई थी बेटा? सर माई आल्सो नेटवर्क प्रॉब्लम। अरे अब ये नेटवर्क तो क्या करें, ये तो सभी का ही ऐसी हो गया हाल। चलिए 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 कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन समझ में आना चाहिए सबको, समझ रहे हैं ना? समझ में जब जब नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप यहाँ पे एक बार समझा दीजिए। अच्छा एक बात और आपसे बात करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस सर। यस सर। चलिए चलिए बच्चों आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरिड आउट, चार्ज कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरिड आउट, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है टोटल चार्ज कैरीड आउट कह रहा हूं, कब वन मोल H2O को O2 में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज कैरीड आउट होगा ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। एक मोल H2O को O2 में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज कैरीड आउट होगा ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? करिए तो बच्चों जरा जोर लगाइए, क्वेश्चन तो करिए, सॉल्व तो करिए। फोर फैराडे सर। फोर फैराडे। फोर फैराडे। देखते हैं बच्चों देखते हैं, और कोई और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर तो आया होगा, बोलिए 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 शाबाश। अरे आंसर नहीं आया क्या? चलिए हम निकाल के दिखाते हैं बच्चों आप लोगों को। सर आप क्या करेंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल को जब लेते हैं तो आप क्या करते हैं सर, यहाँ पे H2 बनता है प्लस 1/2 O2 बनता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो ठीक है सर ये 1/2 O2 बनता है, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, एक मोल वाटर है और इससे आधा मोल ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है ना, एक मोल से जो है आधा मोल ऑक्सीजन बन रहा है,
तो आधा मोल ऑक्सीजन बनने में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा होगा, ये मैं ऐसा बोलूंगा। देखो तो एक इधर सुनो, आपके पास एक मोल वाटर है और इससे कितना हाफ मोल ऑक्सीजन बन रहा है या नहीं बन रहा है, बोलो यार। तो मतलब H2O से कितना आधा मोल ऑक्सीजन बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या? यस सर। तो इधर साइड आप क्या करेंगे, 2H+ लगाएंगे, लगाएंगे क्या, बोलो, शाबाश। यस सर। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जरूरत होगी यहाँ से। यस सर। होगी या नहीं होगी सर, दो इलेक्ट्रॉन जरूरत होगी सर। जब दो इलेक्ट्रॉन जरूरत होगी तो दो फैराडे के बराबर सर, प्रोडक्ट साइड से दो रिमूव नहीं करने होंगे सर, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 निकल जाएगा ना सर, इसको बैलेंस करेंगे 2H2O कर देंगे ना सर, तो यस सर, तो 4 फैराडे आएगा ना। हां सर, 2H2O कर देंगे तो 4 फैराडे आएगा। जब आप यहां पे दो करोगे, यही कह रहा है क्या बेटा, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा बोल रहा है। यस सर, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, बाद में 4H+ ऐड करेंगे। सुनो सुनो सुनो, अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोल वाटर हो जाएगा ना फिर प्यारे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोल हो जाएगा ना, तो 2 मोल से 4 फैराडे मिल रहा है ना आपको, 2 मोल से कितना फैराडे मिला, 4। Yes, sir. एक तो एक मोल से कितना मिलेगा, 2। गलत है क्या, बताओ यार। सर लेकिन आपने 2 इलेक्ट्रॉन से आप रिएक्टेंट साइड पे ऐड किए, प्रोडक्ट साइड पे नहीं करने होगी, रिएक्टेंट साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए मैंने, दो बाहर निकाले हैं। आपको समझ में आया ना, दो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना सर, जब 2 मोल से 4 फैराडे बन रहे हैं तो 1 मोल से 2 ही तो फैराडे बनेगा यार, गलत कह रहा हूं क्या मैं, अरे गलत कह रहा हूं क्या? नो सर, नो सर। चलिए कर लिया सॉल्व, हो जाएगा। यस सर। और किसी को अगर इस बारे में कोई बात अगर कहनी है तो मुझे बोले, मैं उसको समझाता हूँ, बढ़िया से समझाऊंगा, बहुत बेसिक बेसिक मेथड से। सर एक और क्वेश्चन दो ना। ओके ओके बेटा, देखिए आपसे कहते हैं 1 मोल B2O3 से बोरोन को बनाने में कितना चार्ज कैरीड आउट होगा, इसको करिए। लो इसको करो भाई, सब लोग करो, सब लोग करो, सब लोग करो, सब बच्चे करिएगा। ओके, बढ़ूं आगे, चलो देखिए देखिए, ये तो कर दिया आपने सर, B2O3 से हमने बोरोन को बनाया सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3H2O लिखा और सर यहाँ पे 6H पॉजिटिव आएंगे नहीं आएंगे, प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन एटम बढ़ गए थे, जैसे ही 6 हाइड्रोजन एटम बढ़े तो मैंने इधर रिएक्टेंट में 6H+ लगा दिया प्यारे बच्चों, सर यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन को पास तो कराइए, तो नंबर ऑफ फेराडेज कितना कैरिड होगा, 6 फेराडेज की इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा, है ना आसान और मजेदार, है ना? यस सर।
ओके चलिए अब थोड़ा सा, लेकिन H2O वाला सर वो नहीं पता चला। अरे ये तब से बोल रहा हूँ यार, तब से क्यों नहीं पूछ रहा यार, उसे नेटवर्क का थोड़ा तो अभी मुझे ज्वाइन हुआ वापस। यार यही तो प्रॉब्लम है यार, ये तो तब से करा रहा हूँ मैं, ये तो तुझे आ जाना चाहिए यार। नहीं ये तो आया सर, वो H2O वाला आपने दिया था ना। नहीं ये वाला देखो क्या होता है ना, हम लोग जब भी रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्व करते हैं तो एक ऐसी रिएक्शन ये थी, ये रेडॉक्स बैलेंस करने के लिए बताया जाता है। जब भी हम बैलेंस करते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले एटम को बैलेंस करते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं, तो बोरोन कितने यहाँ पे, दो है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी दो। ये वाला नहीं, वो आपने पहले दिया था H2O, one mole H2O gives O2, वो वाला। ये आ गया तुझे समझ में? यस सर, ये तो पता चल गया। ओके यार यही तो बोल रहा हूँ मैं बच्चों, तो 6 फैराडेस। अच्छा देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये लड़का, देखिए एक मोल H2O से, एक मोल H2O से O2 में कन्वर्ट होने में कितना चार्ज कैरीड आउट होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं एक मोल H2O, जब H2O आप लिखोगे तो ये आपका बनाता है H2 plus 1/2 O2। तो मतलब एक मोल वाटर आपका आधा मोल ऑक्सीजन दे रहा नहीं दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा है, बोल बेटा। यस सर। तो आधा मोल वो ऑक्सीजन दे रहा है, तो जरा जाहिर सी बात है कि H2O से हम लोग जान रहे हैं कितना सर 1/2 O2 बनता है, इतना तो पता है ना। तो लेकिन अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव और लगाएंगे ना, H2O से इतना O2 बन रहा है तो 2H पॉजिटिव और लगाएंगे, तो यहाँ प्लस का 2 चार्ज हुआ तो, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ओवरऑल 2 फेराडे होंगे नहीं होंगे। आप बता बेटा, आप बताइए बताइए। यस सर, अंडरस्टूड। बहुत सिंपल सा बात है। तो बच्चों अब मैं थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग तैयार हो क्या आगे बढ़ने को? हाँ yes, बोलो। सब लोग तैयार हैं क्या? कोई ऐसा तो नहीं है जो बोल रहा है कि सर रुके रहिए? अरे कोई ऐसा तो नहीं है जो कह रहा है कि सर रुको? नो सर। ओके बच्चा आइए आइए, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बेसिकली मेडिकल और जेई बैकग्राउंड की जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं बिल्कुल बहुत ध्यान से देखें, बोर्ड में भी एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा और आप बहुत ध्यान से देखिए। तो बहुत बढ़िया से लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक करंट ऑफ 2.68 एम्पियर एक करंट ऑफ 2.68 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 hour इज पास्ड फॉर वन आवर HR लिखा हुआ है समझ जाइए, थ्रू एन एक्को सॉल्यूशन ऑफ through an aqueous solution of copper sulfate using copper CO लिखना है, ठीक है ना, using copper electrode को यूज कर रहे हैं। कैलकुलेट द चेंज इन मास ऑफ कैथोड, ऐसा लिखता हूं मैं, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर आपको दिया गया है,
63.5 ग्राम। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा देखो। एक करंट ऑफ 2.68 एम्पीयर इज पास फॉर 1 आवर थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। कैथोड पे कितना मास कॉपर का जमा होगा जब आप 2.68 एम्पीयर के करंट को एक घंटे में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पास करोगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोलिए? यस सर। जरा करिए बच्चों, शुरू करिए तो देखते हैं क्या क्या होता है। करिए भाई, सब लोग करिए। हो गया क्या? सर आंसर 3.174 ग्राम आ रहा है। हाँ यार, ये लड़का तो सही आंसर निकाल दिया है यार। वेरी गुड बेटा। और लोग क्या कर रहे हैं भाई? सर 3.175। यस सर। हाँ हाँ, करीब करीब इतना ही आ रहा है। सुनिए, सुनिए, सुनिए। चलिए मैं निकालता हूं। देखो बच्चों, W ऑफ, देखो I की वैल्यू ये दी गई है 2.68 एम्पियर दिया गया है और टाइम इज इक्वल टू 1 आवर दिया गया है। तो आप सेकंड में कन्वर्ट करें तो इसको 3600 सेकेंड आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और आपको मोलर मास कॉपर का दिया गया है कितना? 63.5 है। और कॉपर पे चार्ज कितना होगा? कॉपर क्लोराइड है तो कॉपर पे +2 का चार्ज होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला ये वाला लगाइए, एम अपॉन N into F into I into T। ये वाला फॉर्मूला सब लोग लगाओ भाई, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये वाला फॉर्मूला सब लोग लगाइए। ये वाला फॉर्मूला सब लोग लगाइए।
कर दिया 63.5 इंटू 2.68 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 कूलाम इज इक्वल टू 3.3174 ग्राम आंसर आएगा। कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से, नहीं किए हो तो बोलो। बोलिए बच्चों, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन दो, आ गया समझ में? यस। अरे सब लोग बोलो भाई, सब लोग कर लेंगे। यस सर। कॉपर सल्फेट के आपने इलेक्ट्रॉन दो लिए है। हाँ, CuSO4 होता है। अच्छा, CuCl2 लिखा, बात एक ही हो, इलेक्ट्रॉन दो ही आएगा। कॉपर सल्फेट हो या कॉपर क्लोराइड हो, बात सर। कॉपर चार्ज दो होता है ना, सल्फेट पर माइनस टू होता है, तो कॉपर पे प्लस टू चार्ज आएगा ना। नहीं समझा सर? SO4 टू नेगेटिव होता है ना, तो सल्फेट पे माइनस टू चार्ज होता है, तो कॉपर पे कितना चार्ज आएगा? प्लस टू चार्ज आएगा। प्लस टू, बस यही तो बोल रहा हूँ यार। चलो 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 चलो, एक क्वेश्चन और करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप ही को करना है बच्चों, मैं तो बस खाली क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट इज लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, वही एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं यहां पे, CrO3 to Cr, ये रिएक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर प्लेटेड आउट, और यहां पे लिखता हूं कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर प्लेटेड आउट by 24,000 कूलाम, ठीक है ना। How long will it take take to plate out chromium using यहां पे एक टर्मोल लिखता हूं मैं, हाउ will it take to plate out, ठीक है ना, 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम यूजिंग एम्पियर करंट। ये कहने का मतलब है, वो एक इक्वेशन दे रहा है और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर प्लेटेड आउट बाय 24,000 कूलाम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू प्लेट आउट 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर करंट। मास ऑफ कॉपर आपको बताना है कि जब जो है आपसे कह रहा है 24,000 कूलाम करंट को पास कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मास ऑफ कॉपर कितना होगा, पहली बात ये कह रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि 1.5 ग्राम क्रोमियम को प्लेट आउट होने के लिए, मतलब जमा होने के लिए, अगर इतना करंट लग रहा है तो ये इतना करंट
कितना टाइम में लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो दो क्वेश्चन निकालना है, दो आंसर निकालना है, एक तो आपको जो है W निकालना है, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको टाइम निकालना है। तो जरा करिए तो बच्चों इसको, करिए बेटा इसको सब लोग। अच्छा क्रोमियम का मोलर मास दूं क्या, सीआर का मोलर मास होगा 52 ग्राम। आसान है बहुत ज्यादा। सर मास प्लेटेड आउट 2.16 समथिंग आ रहा है। हाँ सही निकाला इस लड़के ने, और भी निकालिए और बच्चे। और लोग भी सॉल्व करिए। वेरी वेरी गुड। सुनो पहले करना क्या है, CrO3 को काय में कन्वर्ट करना है, CR3 में कन्वर्ट करना है, पता है ना। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, 3H2O को आप लगा दोगे, सर यहाँ पे 6H पॉजिटिव लगाओगे, और सर जैसे 6H पॉजिटिव लगाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, N की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो बच्चों करेंगे क्या, W ऑफ क्रोमियम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास इंटू क्यू आई इंटू टी की जगह पे क्यू लिखेंगे ना, N इंटू फेराडे। तो मोलर मास कितना है, 52 इंटू 24,000, आई इंटू क्यू की जगह पे आई इंटू टी की जगह पे क्यू रखो, 6 × 96,500। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, करीब करीब आ रही 2.16 ग्राम आ जाएगी। आया समझ में सभी को। अब टाइम निकालना, 22.27 मिनट्स आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही है यार, आप बिल्कुल सही कह रही हो भाई। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोलर मास, क्रोमियम का ही है या कॉपर का है बेटा। अच्छा इसको भी वैसे ही करो, मोलर मास अपॉन इंटू आई इंटू टी, अब इसमें आई इंटू टी लगाओगे और ये एन इंटू एफ लगाओगे, क्योंकि आई की वैल्यू दी है, टी आपको निकालना है, डब्ल्यू दिया गया है, डब्ल्यू ये दिया है, डब्ल्यू ये डब्ल्यू दिया है, ये आई दिया है, टी आपको निकालना है। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू डब्ल्यू 1.5 इंटू 96,500, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास 52 इंटू आई, आई की वैल्यू है 12.5 इंटू कितना हो रहा है, बस T आपको निकालना है। तो ऐसा ऐसे ही आया ना, यस सर। तो कितना किया बेटा ये, 22.27 ये मिनट में आया होगा ना, यस सर मिनट्स। चलिए अब बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है क्या। अच्छा किसी का आंसर सेकंड में भी आया होगा, किसी का ऐसा आया होगा पहले, यस सर 1336.15 सेकंड। वेरी गुड। अब इसको आपने किससे डिवाइड किया, 60 से डिवाइड कर दिया तो सेकंड में आ गया हो, सॉरी मिनट में आ जाएगा। फिर ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। अच्छा अब बताओ किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक, बोलो यार, क्लास छोड़ने का टाइम हो रहा है, क्योंकि फिर बायोलॉजी का क्लास होता है यार आपका, फिर बायोलॉजी का क्लास होता है यार। तो बोलो बच्चों क्या मैं रखूं क्या वीडियो को, यस सर यस सर यस सर यस सर।
तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे अपने घर में, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं।